भाई गाइज, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा सही होने वाला है। बेसिकली यह वीडियो जो है मैंने बहुत दिन से जो है इस वीडियो का टाइटल सोच के रखा था और कंटेंट की मैं ये वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज फाइनली वो टाइम आ गया है कि मैं इस पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस टॉपिक पे। और आपने थंबनेल पे कुछ और भी अलग अलग चीज़ें देखी होंगी जिसका आईआईटी से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और यह वीडियो कोई पार्टिकुलर कोई क्लास के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ठीक ना। तो इसीलिए कोई मैटर नहीं करता कि आप 9th में 10th में किसी भी क्लास में हो, ठीक, 11th 12th, बस होना क्या चाहिए कि आप एक फिजिक्स स्टूडेंट होने चाहिए जिसे फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लगता हो। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैंने बात कर रखा है कि वाई आईआईटी नॉट इंजीनियरिंग। देखो, आईआईटी और इंजीनियरिंग एक ही है, ठीक ना, दोनों के बीच का रिलेशन एक ही है। होता क्या है कि आईआईटी एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसे पास करने के बाद हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, ये बात सबको पता है, ठीक। आप सोच रहे हो कि मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, लेकिन सुनो यार, दो तीन मिनट सुन लो आप, उसके बाद समझ में आ जाएगा बात। तो आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम हम लोग पास करते हैं, उसके बाद कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है तो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। उसके बाद बीटेक होता है हमारा 4 साल का, हम लोग बीटेक करते हैं। इसको यहाँ से नहीं, इसको हम लोग शुरू से लेते हैं, ठीक। जब हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी वाले एज ग्रुप में, तो हम लोग आईआईटी का प्रिपरेशन करते हैं पूरे जोर शोर से। मतलब बहुत वीडियो आप लोगों ने देखा होगा यार, कोई रात रात भर पढ़ रहा है, कोई दिन भर पढ़ रहा है। अब जैसे कोटा फैक्ट्री का ही लाइन था कि तुमको दुनिया से काट के अलग रख देता है, फिर कहा किसकी सरकार गिरी, किसकी किससे शादी हुई, आईपीएल किसने जीता, ये सब कोई मैटर नहीं करता लाइफ में। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त यार, सब पीछे छूट जाते हैं और यहाँ पे तुम रह जाते हो अकेले। और बसता क्या है, आईआईटी। यहाँ पे दिन रात सिर्फ आईआईटी करते हो तुम। सही है, सब आईआईटी का प्रिपरेशन किए, बहुत सही है, चल रहा है, सबने एकदम मतलब फोर रखा है यार कि मुझे ये कंप्लीट करना है, मुझे वो कंप्लीट रखना है, रात भर दिन भर, ठीक। सभी जगह से अलग होके हम लोग आईआईटी का प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब वो भी दिन आ जाता है कि आईआईटी का हम लोग एग्जाम दे देते हैं, हमारा आईआईटी में निकल भी जाता है। लेकिन इससे पहले आप यार सोचो, स्टोरी राइटर, ठीक, स्टोरी राइटर देख लो, एक्टर देख लो और बिजनेसमैन देख लो, मतलब आईआईटी निकाल के, आईएएस देख लो यार, आईआईटी निकाल के लोग बिजनेसमैन बन रहे हैं, स्टोरी राइटर बन रहे हैं, एक्टर बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, मतलब हर एक सेक्टर में। और यार 95% मैं आईएएस का इंटरव्यू देखता हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता यार, सब बीटेक करते हैं उसके बाद आईएएस का प्रिपरेशन करते हैं। अब मुझे नहीं पता यार उन लोग का थिंकिंग, लेकिन मैं जितना आपको बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, वो देखो यार, मैं उस टाइप का सोचता हूँ कि जैसे अगर मैं आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ यार, तो आईआईटी से ही रिलेट कोई भी काम होना चाहिए। लेकिन आप आईआईटी के बाद जाके खुद सोचना, आईआईटी कॉलेज के बाद जाके खुद सोचो, अभी अभी जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो ना, उस टाइप का आपको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। आप आईआईटी का प्रिपरेशन किया, आईआईटी के कॉलेज में आप एडमिशन ले लेते हो, कॉलेज खत्म हो जाता है आपका, आप जॉब ले लेते हो, ठीक, बहुत अच्छे कंपनी में आपको जॉब मिल जाता है, मान लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में आपको जॉब मिल जाता है। उसके बाद आपका रूटीन क्या रहने वाला है, फिर 9 बजे उठोगे यार, 9 बजे उठोगे, खाओगे पियोगे, फिर जाओगे अपने ऑफिस से काम करके आओगे, घर पे सो गए, खत्म। बहुत लोग इस वीडियो में ये भी सोच रहे होंगे कि हाँ तो यही तो चाहिए यार, मेहनत की हम लोग गए कॉलेज, गए वहाँ अच्छे से पढ़ाई की, नौकरी लग गया, पैसा आ रहा है, बात खत्म, तो बस यही बात खत्म यार, बस अब इसके आगे कुछ नहीं रखा हुआ है। तो इसीलिए ये टॉपिक मुझे बनाना पड़ा कि वाई आईआईटी नॉट इंजीनियरिंग। ये मैं अपना बात कर रहा हूँ कि मैं आईआईटी का सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अगर बाई चांस अगर मेरा आईआईटी निकल भी जाता है तो मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, ठीक। ये मैं बात वीडियो में बोल रहा हूँ कि बाई चांस अगर मेरा आईआईटी निकल भी जाता है, बहुत अच्छे स्कोर से निकले या बहुत खराब स्कोर से निकले फर्क नहीं पड़ता, अगर आईआईटी मेरा निकलता भी है, मुझे कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जाना, मुझे इंजीनियरिंग करना ही नहीं है। पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर लूँ उसके बाद। सॉरी पापा, लेकिन मेरा इंजीनियर बनने का भी कोई प्लान नहीं है। इतने ब्रिलियंट इंजीनियर हो तुम, वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन मैं अपनी क्रिएटिव एनर्जी को रोज रोज मशीनें सुधारने या डिजाइन करने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में खर्च नहीं करना चाहता, मैं बस पैसे नहीं कमाना चाहता। तो अब बात यहाँ पे आता है कि तो फिर तुम आईआईटी का प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो। तो देखो यार, होता क्या है कि अगर हाँ कोई 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भाग रहा है तब जाके उसको पसीना आता है, और कोई 100 मीटर 200 मीटर 300 मीटर भाग के भी
क्या कर रहा है, वो ही पसीना ले आ रहा है। अब आप दोनों में अंतर बताओ, जो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भाग रहा है उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है, और जो 100 मीटर 200 मीटर भाग रहा है उसको टाइम कम लग रहा है, जबकि दोनों में रिजल्ट एक ही आ रहा है, पसीना निकल रहा है। ठीक, अब यहाँ अगर हम लोग IIT वाले केस में रिलेट करें, यहाँ पे हम लोग नॉलेज का बात कर रहे हैं, तो अब अगर हम IIT का प्रिपरेशन जैसे कर रहे हैं, अगर IIT का प्रिपरेशन हम नहीं करते तो क्या होता, आराम से 11th का बोर्ड का पढ़ रहे हैं, 12th पढ़ रहे हैं, 11th 12th बोर्ड पढ़ रहे हैं, पढ़े फिर आगे गए, मतलब बहुत स्लो प्रोसेस हो जाता है। और जो नॉलेज जिस टाइप का हम लोग IIT के प्रिपरेशन से ले पाते हैं, उस तरह का हम लोग को ये बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन से नहीं मिल पाता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है इसके सिलेबस में, बोर्ड के सिलेबस में और IIT के सिलेबस में। इसीलिए क्या करता हूँ कि IIT का मैं प्रिपरेशन इसलिए कर रहा हूँ, IIT का एग्जाम भी दूंगा, क्योंकि बहुत कम टाइम में आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाता है, और बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ों पर क्या होता है, कंसेप्ट बहुत तरीके से खुल जाता है, एक मतलब ऐसे बंद गेट जो है खुल जाता है। उसके बाद आप अगर आप कोई भी चीज़ पर सोचोगे, कोई भी चीज़ के बारे में जानोगे, तो क्या होता है IIT वाला कंसेप्ट आपका लगता है, मतलब होता है ना कि एकदम कम ही समय में हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं यार, इतने सारे टेस्ट दे चुके हैं, इतने सवाल बना चुके हैं, कि हर एंगल से हम लोग को सोचने का तरीका मिल जाता है, जो कि अगर हम लोग बोर्ड के हिसाब से करते हैं तो उस तरीके के थिंकिंग हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक, अब हम लोग थंबनेल में आप लोग ने ये भी देखा होगा कि BSc BTech कुछ लिखा हुआ था, अब मैं ये भी बात कर लेता हूँ। अब जो लोग इसमें होंगे, ये भी आप सोच रहे हैं यार फिजिक्स स्टूडेंट बोला है, फिजिक्स का कोई काम नहीं है, तो जनरली मुझे फिजिक्स अच्छा लगता है, और आप लोग भी फिजिक्स बहुत अच्छे होंगे, बच्चे होंगे जिसको फिजिक्स अच्छा लग। यहाँ पे फिजिक्स अच्छे लगने से ये मतलब नहीं है भाई कि तू, मतलब अगर 100 नंबर का फिजिक्स का एग्जाम है तो तू 100 में 90 ला रहा, 95 ला रहा, 99 ला रहा, ऐसा मतलब नहीं। फिजिक्स अच्छा लगता है, मतलब फिजिक्स तू पढ़ रहा है सही से, फिजिक्स में आगे जाके कुछ करना चाह रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है, उसको मैं पढ़ूंगा। तो अब जैसे किसी को फिजिसिस्ट बनना है या फिजिक्स पढ़ना है, तो देखो यार BSc BTech का अगर मैं बात करता हूँ, तो BSc में देखो BSc और BTech कहेंगे यार दोनों तो सही जगह, तुम IIT कर ली और उसके बाद 4 साल का तुम वो भी कर लो, इंजीनियरिंग करोगे तब भी तुम BTech कर लोगे, और यहाँ तुम नहीं करोगे तो BSc करोगे, तो इसमें क्या है, दोनों तुम उससे अच्छा BTech कर लो यार। BTech में टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाता है, जबकि BSc में सिर्फ और सिर्फ साइंस रिलेटेड आ जाता है। BSc में आपको प्योर साइंस पढ़ाया जाता है, और BTech में अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइंस मतलब जो साइंटिफिक प्रूवन हो चुका है, मतलब सब तो साइंटिफिक प्रूवन ही रहता है, मतलब उसके बेसिस पे पढ़ाया जाता है, कोई चीज़ है उसके बेसिस पे हमको पढ़ाया जाएगा, जबकि BTech का ही बात कर रहा हूँ मैं, जबकि BSc में क्या होता है आपको प्योर साइंस पढ़ाया जाता है, थ्योरीज पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता है आपको, मतलब हर एक थ्योरी, चाहे वो किसी क्वांटम मैकेनिक्स हो, स्ट्रिंग थ्योरी, कोई भी थ्योरी हो, तो थ्योरी पे रिलेटिंग रिलेशन करवाया जाता है, जबकि BTech में वैसा नहीं होता है। BTech में टोटली आपको प्रैक्टिकली नॉलेज इम्प्रूव करवाया जाता है, और वो भी प्रैक्टिकली जो कि हो रखा है। तो BSc जो है टोटली डिफरेंट है BTech से। ठीक, BSc में हम लोग को प्योर साइंस पढ़ना होता है, जबकि BTech में हमको अप्लाइड साइंस पढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए मतलब 11th 12th के बाद टेंथ के बाद IIT का प्रिपरेशन करने से ये होता है कि हम लोग का पूरा जो है, मतलब एक सही तरीका का जो हम लोग का गेट होता है नॉलेज का, वो खुल जाता है, और जिसके बाद अगर हम लोग BSc करते हैं, MSc करते हैं, तो प्योर साइंस में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो फिजिसिस्ट रिसर्च है जिसको जो बनना है वो बन सकता है। तो इसीलिए मैं बताना चाह रहा था कि वाई IIT नॉट इंजीनियरिंग, मतलब IIT का प्रिपरेशन तक ठीक है लेकिन इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए, मतलब मेरा जैसा जो बच्चा होगा वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।